व्यवहार में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से होगा फायदा। अगर आप रेलवे से आवाजाही करते हैं तो यह खबर खास आपके लिए है, क्योंकि रेलवे अभी एक के पीछे एक आने वाले दूसरे ट्रेन में आवाजाही करने वाले यात्रियों को पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जारी करने वाली है। इस नियम के अनुसार पहले ट्रेन को देरी होने पर आगे की ट्रेन छूटने में भी देर होने पर कोई भी शुल्क देते हुए इस नियम के अनुसार पहली ट्रेन को देरी होने पर आगे की ट्रेन छूटने में भी देर होने पर कोई भी शुल्क ना देते हुए यात्रा रद्द करने का यात्री को अधिकार मिलने जा रहा है। यह नियम रेलवे के सभी वर्गों के लिए लागू है। भारतीय रेलवे 1 अप्रैल से यात्रियों को यह नई सुविधा देने जा रही है। ट्रेन का टिकट बुक करते वक्त एक PNR नंबर यात्री को मिलता है। ये PNR एक यूनिक कोड होता है, जिस कारण ट्रेन और उससे जुड़ी जानकारी मिलती है। दो ट्रेन के टिकट बुक करने पर 2 PNR नंबर जनरेट होते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने नियम में बदलाव कर 2 PNR को लिंक करना आसान कर दिया। ऑनलाइन या फिर काउंटर से इनमें से कोई भी तरीके से टिकट खरीदी करने पर यात्रियों को आसानी से रिफंड मिलेगा। आइए देखते हैं रिफंड के नए नियम। पहली ट्रेन देरी से है तो दूसरी ट्रेन को छूटने में देरी हो रही है, ऐसी वजह देने पर ही आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपने काउंटर पर से रिजर्वेशन का टिकट लिया है तो फिर पहली ट्रेन आने के पहले 3 घंटे के अंदर आप दूसरे ट्रेन का टिकट रद्द कर सकते हैं। रिफंड के पैसे काउंटर पर ही मिलेंगे। अगर टिकट ऑनलाइन बुक किया है तो जिस स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है और जिस स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पकड़नी है उसी स्टेशन पर TDR भरना पड़ेगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।